हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक कहावत है कि मौके पे चौका मारना चाहिए और जियो हमेशा इस चीज को पालन करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो के तरफ से नया आने वाला एक एप्लीकेशन के बारे में। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, उम्मीद करते हो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग जियो का कौन सा सर्विसेज यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है जियो के तरफ से माई जियो एप्लीकेशन, जियो सिक्योरिटी, जियो टीवी, जियो सावन, जियो सिनेमा, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है। इवन मैंने एक वीडियो भी बनाया है जहां पर मैंने बोला था जियो किराना स्टोर के बारे में, जो बहुत जल्द मार्केट पे आने वाला है। इवन वो मुंबई पे अभी काम भी चला रहा है। बट इसी बीच में जियो ने फाइनली लेके आने वाला है एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जिसका नाम है जियो मीट। दोस्तों, हम लोगों को पता है जूम के बारे में, जूम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने बोला है कि जूम जो है वो यूजर का डेटा को लीक करता है, तो ये सेफ नहीं है यूजर के लिए, तो इसलिए जूम को यूज नहीं करना चाहिए। बट यहां पे मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि तब गवर्नमेंट क्यों ये एप्लीकेशन को टोटली बैन नहीं कर देता है। तो खैर छोड़ो, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट सोचेगा गवर्नमेंट क्या करेगा। बट ये जो जियो मीट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बोलूं, ये जो एप्लीकेशन था इसका है, इसका एक बीटा वर्जन जो है वो बीटा वर्जन ऑलरेडी प्ले स्टोर पे आ गया था। बट कुछ ही टाइम के अंदर इसका 1000 डाउनलोड हो गया, तो इसीलिए इस एप्लीकेशन जो है इसको टेक डाउन कर लिया गया था जियो के तरफ से। बट फाइनली जियो ने बोला है कि बहुत जल्द ये जो एप्लीकेशन है ये मार्केट पे आ जाएगा और हम लोग का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बट ये जियो मीट जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली तीन जगह पे टारगेट कर रहा है। द फर्स्ट वन इज ई एडुकेशन। ई एडुकेशन क्या है, हम लोगों को पता है कि लॉकडाउन फेज में हर जगह पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है जियो कोशिश कर रहा है सारे इंस्टीट्यूशन, सारे स्कूल कॉलेजेस के साथ टाई अप करके वो सारे चीज को अपने जियो मीट के थ्रू करवाने के लिए, जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। द सेकेंड वन इज बिजनेसमैन एंड वर्क फ्रॉम होम पर्सन। जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी वर्क फ्रॉम होम पर्सन है, जितने भी वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉयज है, सारे लोग अभी ज्यादातर इसे एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट का यूज कर रहे हैं। जो बहुत सारे लोग है जो जूम को यूज कर रहे हैं, तो जियो बोल रहा है कि जियो मीट के थ्रू भी आप लोग आपका जितने भी बिजनेस का कॉन्फ्रेंस हो या जितने भी ऑफिशियल काम वगैरह हो वो सारा चीज आप कर पाओगे। इवन आप इसके थ्रू वर्क फ्रॉम होम का भी काम वगैरह सारा चीज को कर पाओगे। एंड द थर्ड वन इज ई हेल्थ। ई हेल्थ क्या है कि हम लोगों को पता है कि देखो दोस्तों, हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसके सामने बैठते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं, बट ई हेल्थ के थ्रू आपको क्या करना नहीं पड़ेगा, आपको आपके घर पे ही रहना है। आप बस घर पे रह के कोई भी एक डॉक्टर को कॉल कर लो, कोई भी एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा और वहां से जितने भी डॉक्टर है वो डॉक्टर आपके सामने एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट पे आ जाएगा और वहां पे आप आपका सिम्टम्स जो है उसको बता के डॉक्टर से दवाई ले सकते हो। और जियो इसी कारण डिफरेंट जितने भी हम लोग हॉस्पिटल्स है, जो भी नर्सिंग होम है, उस वो सारे चीज के साथ अपना जो कोलैबोरेशन, अपना जो टाई अप है, ये सारा चीज को कर रहा है। और ये सारा चीज खत्म होने के बाद जियो कोशिश करे कि जितना जल्दी हो सके इसको इंडियन मार्केट पे लेके आने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, ये जो जियो मीट एप्लीकेशन है ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आप लोगों का क्या राय है मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे को बस इस वीडियो पे इतना ही बोलना था। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।